आकंगे। दोस्तों मैं हूँ अभी धर्म की हरिद्वार में, तो मैं हरिद्वार में हूँ, हर की पौड़ी में हूँ, और अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कामायण यात्रा से रिलेटेड कि कैसे चल रही है कामायण यात्रा और कितने भोले आ रहे हैं यहाँ पर, और सही बताऊँगा और अनोखी तरह की कामायण जो होगी वो आपको दिखाऊँगा वीडियो में। तो जो भी अपडेट है वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो चलिए चलते हैं और घुमाते हैं आपको और सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कामायण यात्रा से रिलेटेड। ये देखिए दोस्तों सब कुछ सॉलिड जल है इसमें, ये मिल्क उठा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों सावन अभी शुरू होने में सिर्फ एक दिन रह गया, पर जो यहाँ पे कांवड़े की भीड़ है, जो दूर तक जाने वाले हैं वो पहले ही आ चुके हैं और कई लोग निकल चुके हैं यहाँ पे अपने कांवड़ लेके, और मैं आपको पूरा अपडेट दे रहा हूँ और यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है फिलहाल, बने रही वीडियो। ये देखो भाई भोले जी को सर पर उठा लिया। है मनसा देवी, और फिलहाल के लिए आपको दिखाता हूँ, देखिए नज़ारा, भीड़ देख ले दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है, ये देखिए तैयार कर रहे हैं उन्होंने कांवड़ को। कब निकल रहे हो? बांध रहे हैं, बोले की काम शाम तक निकलो, शाम नहीं निकलना, हम बांध लेंगे। तो यहाँ हर जगह आपको शिव कलश दिखेंगे, लोग तैयारी कर रहे हैं निकलने की यहाँ पर। ये देखिए कुछ लोग अपना सजा रहे हैं अपने कांवड़ों को, तो हर तरफ आपको यहाँ पे रौनक दिखने वाली है कांवड़ों की। आपको शवन गुरुवा पे दिखाया दोस्तों वीडियो में, ये देखिए। तो ये है क्लॉक टावर, ये देखिए। तो सामने दोस्तों ये धनुष वाला ब्रिज है और मैं इस साइड आ चुका हूँ, थोड़ा सा काफी क्राउड देखने मिला। चलिए अनोखा कावड़ दिखाते हैं आपको फिलहाल, ये देखिए ये है शिव जी कांवड़, शिव जी वाला कांवड़। और अपने अपने कंधे पर ले जाओगे भोले जी का, कहाँ से भैया? हरियाणा। हरियाणा गुड़गांव। चलो जय भोले, जय भोले की, जय भोले की। अपना सर मोबाइल जेब पॉकेट का ध्यान रखें, आप सभी अपने साथ आए हुए छोटे बच्चों व बुजुर्ग व्यक्तियों का हाथ ना छोड़ें, भीड़ में उनका हाथ पकड़कर ही चलें। माँ गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अथवा स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ शंकराचार्य चौक हरिद्वार में, और ये देखिए सारे भोले रेस्ट कर रहे हैं, और एक महाकांवड़ भी है पीछे, अभी दिखाने वाला हूँ उसको, ये देखिए महाकांवड़ देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये चंडीगढ़ से दोस्तों आगे तरफ रास्ता जा रहा है, जो दिल्ली वाला। दोस्तों ये था कांवड़ यात्रा पे मेरा पहला व्लॉग और अपडेट मान लीजिए इसे, और अभी वीडियो अगर आप आ रहे हो तो बता दूं
अगर आप ऐसे कांवड़ लेने आ रहे हो तो कोई दिक्कत है, लेकिन अगर ऐसे फैमिली या घूमने आ रहे हो तो अभी मत आना, क्योंकि नीलकंठ बिल्कुल भी जैम हो जाएगा। नीलकंठ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो भोले हैं मिलेंगे, तो आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे ढंग से। तो कोशिश कीजिएगा अभी ना आए, 15-20 दिन रुक के आराम से, तब आए हरिद्वार दर्शन करने की फैमिली के साथ। वीडियो से वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो जय भोलेनाथ।